चलिए जी, मैं आपके सामने सर दो बड़ी जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें खास तौर पर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, ये आपने देखना है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखना है सर। तो मैं टू कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा सर, इसकी वीडियो देखते हैं और फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट एट 31 दिसंबर 2011, रिमेनिंग लाइव एट 31 दिसंबर 2012। बेईमानी, बेईमानी, ये एग्जामिनर कर चुका है। कैरिंग अमाउंट दी भी 1 साल पीछे की, उसने कहा लास्ट ईयर की अकाउंट्स में रिपोर्ट हो रही थी। इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब हो रही है? 31 दिसंबर 2012 पे, जहां उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 5 साल। 31 दिसंबर 2012 पे 5 साल है, 11 पे 5 साल नहीं है। तो मुझे पहले इसकी कैरिंग अमाउंट को 11 से 12 पे लाना पड़ेगा। फिर वो कह रहे भैया हमारे पास इस प्लांट की फेयर वैल्यू है 3.2 मिलियन। इस 3.2 मिलियन में कॉस्ट टू सेल ब्रोकरेज आएगा नहीं आएगा? कॉस्ट टू सेल में ब्रोकरेज आता है नहीं आता है? अभी पढ़ा हमने, आएगा सर। क्या ट्रांसफर टैक्सेस आएंगे? आएंगे, लेकिन वो ट्रांसफर टैक्सेस जो 12 महीने आगे पे हो रहे हैं सर, उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे हम ऐसा। फिर वो कह रहे जनाब इफ द एसेट इज पुट टू यूज फॉर द रिमाइंडर ऑफ इट्स लाइफ द फॉलोइंग कैश फ्लोज वुड रिजल्ट। सर हमारे पास 2013 की सेल यानी नेक्स्ट ईयर की सेल सर 9000 यूनिट्स होगी और वो हर साल 5% से रिड्यूस होती रहेगी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म, रिमाइंडर ऑफ द यूजफुल लाइफ। फिर सेलिंग प्राइस हमारी 500 रुपए पर यूनिट है, ये हर साल 4% बढ़ेगी, मैक्सिमम 550 तक। ये सेल्स की कैश फ्लोज आ जाएंगे इन दो नंबर से, ऐसा है। थोड़ा सा अपना गेम अच्छा रखना है। फिर कॉस्ट पर यूनिट सर, डायरेक्ट मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं 70 रुपए का आता है और हम मार्केट से परचेस करते हैं। जी सर, मटेरियल भी 50 रुपए का हमें पड़ता है, परचेस फ्रॉम अ सब्सिडरी, इट्स फेयर मार्केट वैल्यू इज 65। अब बताओ सर हम वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करते हैं, 50 लें 65 लें? 65 लेंगे। क्यों? हम अज्यूम करेंगे कि हमें हमारे सब्सिडरी या पेरेंट कंपनी से जो चीज मिल रही है वो सस्ती नहीं मिल रही है। मिल रही होगी सस्ती, अकाउंटिंग हम उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन हम इस वक्त अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि वैल्यू न्यूज निकाल के चेक कर रहे हैं कि हमारा एसेट इंपेयर्ड है या नहीं है। फिर सर लेबर है सर, फिर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स है। फिक्स ओवरहेड्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन सिर्फ कैश वाले आते हैं। वो कह रहे हैं इस फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन शामिल है, वो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इसमें से हटा देना। वो कह रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट पर एनम आर एज अंडर, these costs includes finance cost that will be paid on the loan obtained on the acquisition of the asset which is still outstanding to some extent. The cash flows contain income taxes worked out as a share reasonably allocated to the asset. bhai humne kaha company level pe jo income tax aata hai wo hum sare assets ko allocate kar rahe hain. kya income tax ke cash flows lene, kya finance cost ke cash flows lene? to sir aap dekh lijiyega. wo keh raha sare kharche 6% se inflate honge sivaye ऑपरेटिंग कॉस्ट के। डिस्काउंट रेट कितना है? 10%। नीचे रिक्वायरमेंट दी हुई है, कैलकुलेट इंपेयरमेंट और ब्रैकेट में इफ यू कैन, शाबाश जी, इफ एनी नहीं है, इफ यू कैन है। वैसे आप नहीं जा सकते, वैसे दुबई में इससे देख पाओगे बस। चलो खैर सर आए जरा, मतलब इसको मैं करवा रहा हूँ, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, मैं वैल्यू न्यूज निकाल रहा हूँ, मेरे पास टाइम कितना है सर? 5 साल, ठीक है जी। वैल्यू न्यूज निकाल लो मैं सबसे पहले, बाकी कैरिंग अमाउंट वगैरह चले सर, पहले काम करें, प्रिलिमिनरी वर्किंग कर ले पहले। मुझे बताएं मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितनी है एट 31 दिसंबर 2000, कौन सा 12 पे मुझे चाहिए। अच्छा मुझे अमाउंट दी किस डेट की है? मुझे 11 की अमाउंट दी हुई है, तो अगर इसको मैं काम करूँ डिवाइड बाय 6 कर दूं तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ऐसे कर सकता हूँ डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, इससे क्या होगा 1 साल अमाउंट कम होके आ जाएगी, ठीक है जी। दैट इज 6450000, वैसे ही डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, यही है कैरिंग अमाउंट ना? बहुत ज्यादा आ रही है सर, एक आपने जीरो ज्यादा डाल दिया था। हाँ जी ये आ रही है मेरे बच्चों। अब बताएं सर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। अच्छा रिकवरेबल अमाउंट हमें पता ही नहीं है अभी, रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास आएगी किस चीज से? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से और वैल्यू इन
यूज से, डन। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए सबसे पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो वो कैसे निकलेगी? फेयर वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास? 3.2 मिलियन, और कॉस्ट टू सेल में मेरे पास ब्रोकरेज है कितनी? 1.5 लाख। और अच्छा मेरे पास सर सीबीटी है कितने का? 40,000। और मेरे पास सर ट्रांसफर टैक्सेस हैं सर 70,000 की प्रेजेंट वैल्यू, यही है 1.1, यही है, सही किया मैंने? गलत तो नहीं किया ना? अब बताएं सर मेरे पास क्या आ रही है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? 2,946,364, डन। अब बताओ मेरे बच्चों दूसरा मुझे क्या चाहिए? वैल्यू इन यूज। अब बताओ वैल्यू इन यूज के लिए अवां के डिटेल्ड कैलकुलेशन करे छड़ियो आए बाबा, ऐसे ही। अब बताएं करे छड़ियो आए पे जाएं सबसे पहले सर बोर्ड में देखिएगा दोस्त, मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले वर्किंग बना रहा हूं सर, एक वर्किंग, ठीक है जी। और इन वर्किंग्स के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखते रहना, बोर्ड पे देखते रहना, मैं यहाँ पर कैश फ्लोज भी निकालूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले वर्किंग में मुझे बताओ मेरे पास सेल्स के यूनिट्स कितने हैं अगले साल? ईयर वन में 9,000, अगले साल इसका 95% पक्का, और फिर अगले साल इसका 95%, फिर अगले साल इन दोनों का 95% पक्का, यही है, ऐसा ही है मेरे बच्चों कुछ? फिर सेलिंग प्राइस पहले साल 500, फिर 4% इंक्रीज 520, फिर 4% इंक्रीज 541, फिर 4% इंक्रीज। अब देखो ये ज्यादा हो रहा है 550 से, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा कितने पे? यही है बाबू। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों मेरे पास टोटल सेल्स कितनी है पहले साल, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यही है, किसी को इसमें कोई इशू कंफ्यूजन पंगा प्रॉब्लम पसूड़ी? 4.5 मिलियन। क्या मुझे ये कंफर्म करके बताओगे कि तुम सबके पास अगले सालों की सेल्स भी कुछ ऐसे ही आ रही है? चेक कर लो। हाँ अंग्रेजी कौन सी बोली? हाँ वो कंफ्यूजिंग है, वो इशू वाली बात नहीं, उसमें किसी ने शायद जो 5% का डिक्रीज है वो सिर्फ पहले साल रखा हो, ऐसे है ना, कोई मसले वाली बात नहीं। 550 पर क्यों रोका आली आ रहे? 550 पे इसने रोका बेटा कि सवाल क्या रहा है, ये 550 पे आपने रुकना है, ये कह रहा है कि भैया मैक्सिमम 550 रुपए, ठीक है जी, ठीक है जी। एक्सेल पर पेपर इजी होता है तो सीख लो बेटा, ठीक है जी, ये सीख लेना मेरा भाई। अब बताओ मुझे एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, ये बता सकते हो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है कितनी जी? अच्छा इसको ऐसे देख लेते हैं कि भाई एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 70, फिर 65, 65, 65, 60 और 40, ऐसा 70, 65, 60 और 40, यही है मेरे बच्चों। और वो कह रहे हर साल ये 6% से इंक्रीज होगी, सर ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है बेटा पॉइंट नंबर 6 में कि ऑल कॉस्ट अदर देन ऑपरेटिंग कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 6%, 1.06, फिर अगले साल भी 1.06, ऐसा सब सालों में 1.06। अब बताएं आप अगर चेक करें तो ये सही वैल्यू। अब बताएं वेरिएबल कॉस्ट ले लूं कितनी? माइनस में 9,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 235, ऐसा यही है बाबू, फिर इसी तरह यही है बाबू, सर इसी तरह यही है, देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट को मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसे ही है मेरे बच्चों। तमाम लोगों की क्या वेरिएबल कॉस्ट यही आ रही है? क्या तमाम लोगों की वेरिएबल कॉस्ट इसी तरह आ रही है? यही है, कोई मसला नहीं।
तुमने एक एक दफा करके रोक दिया होगा ना, कोई मसला नहीं, शुरू के 2 साल सही आ रहे हैं, बाकी सही है। हाँ जी, अब बताओ सर, वेरिएबल कॉस्ट कटी, वेरिएबल कॉस्ट के बाद शायर ये कहता है कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट है कितने की, 17,50,000 की। इस 17,50,000 रुपयों में डेप्रिसिएशन शामिल है। अच्छा, डेप्रिसिएशन है कितना एक साल का? सर डेप्रिसिएशन है 6,450,000 को 6 से डिवाइड कर दो, 1,075,000। ये मेरे पास क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन, कितना जी? 1,075,000 नेट करो क्या आ रहा है? 675,000। और ये फिक्स कॉस्ट 675,000 हर साल ग्रो करेगी किससे? ऐसा या जिंदगी सुकून है। अब बताओ एक और कॉस्ट रहेगी, वो क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है कि भाई इस ऑपरेटिंग कॉस्ट के अमाउंट में से, वो कह रहे भैया फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स इसमें शामिल है, है? देखो क्या लिखा है, ऑपरेटिंग एंड अदर कॉस्ट आर एज अंडर, द फॉलोइंग कॉस्ट इंक्लूड, ठीक है जी, द फॉलोइंग कॉस्ट इंक्लूड क्या चीज? फाइनेंसिंग कॉस्ट, और द कैश फ्लोज ऑल्सो कंटेन इनकम टैक्स, ठीक है जी। तो नीचे जो कैश फ्लोज आ रहे हैं टोटल अमाउंट, इसमें ये दोनों चीजें क्या हैं? शामिल हैं। तो हमने क्या करना है इसमें से हटाना है, आप लोगों ने पूरी अमाउंट ले ली होगी ऐसे ही ना, चलो खैर है, कोई टेंशन नहीं है। अब आइंदा के बाद इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट्स, ये वर्ड इस पे जरा ध्यान देंगे हम, ठीक है जी। तो मुझे बताओ 6,80,000 में से दोनों कटाऊं तो क्या बचे? 6,80,000 में से दोनों हटाऊं तो क्या बचे? अच्छा मैं ऐसे करूं, 6,80,000 के अमाउंट है इसमें मैं 238 प्लस में रख रहा हूं और 170 प्लस में रख रहा हूं, ऐसा ये बचा 272, फिर 780, 210 और 290, ऐसे ही 380, फिर 380 है ना, 371 तो नहीं है ना, फिर अगला 760 प्लस 194 और 195, फिर 845 प्लस 166, 175 प्लस 211,250, फिर आखिरी साल जी मेरा बच्चा, नहीं ये बात मैं बता दूं, एग्जैक्ट एक्सेल वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सेल पे कोई चीज करने के बाद आप उसको वहां छोड़ोगे नहीं, आप उसको कॉपी करके लेके जाओगे कहां पर? ऊपर जो उनका वो सिस्टम दिया वो सीधा सीधा पेस्ट हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। 474,175 पक्का, 8,00,000 नहीं, मर्जी है जिसकी भाई। भैया देखो हाथ अपना ना दोनों चीजों के लिए साफ रखो, कोई बात नहीं है, कल आप अमेरिका में बैठे हो किसी से कॉन्वेंट पे और वो आपको कहेगा जी चलो भाई काम करके, तो फिर बस सर यही हमारे कैश फ्लोज, बस पक्का नेट कर दूं जो कुछ और रह गया? नहीं सर ये नेट कर दे। आप बताओ ये हमारे नेट कैश फ्लोज हैं, मैं यहां रुक रहा हूं, मैं इधर रुक रहा हूं सर, आप इसको सुकून से देख लो और अगर इनके साथ कोई इसमें इश्यू हो तो मुझे बताओ, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें बिल्कुल। सर कैन यू काइंडली अरेंज अ प्रैक्टिस सेशन टू इंक्रीज आर प्रोफिशिएंसी ऑन एमएस एक्सेल? भाई मैं आपको एक कोर्स शेयर कर दूंगा, ठीक है जी, जो मैंने खरीदा है कोर्स, परचेज किया है, आप उसमें फंक्शंस, फॉर्मूला, शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें कर लेना, और अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम लोगों को हर ऑल्टरनेटिव क्लास के बाद 10 मिनट के जो है वो शॉर्टकट सिखाने के लिए कि एक्सेल पे काम कैसे करते हैं, ये भी मैं तुम लोगों के लिए करा दूं, ठीक है जी, तो जी ये करा दूं, 1000 में फर्क आ रहा है, कोई मसला नहीं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोर्सेरा में बहुत कोर्सेज हैं मेरे पास यार,
एडयूनिक्स का भी लिंक है, मतलब मेरे पास वो है, लाइसेंस है, मेरे पास यूडीमी के भी बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, और मेरे पास हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी कोर्सेज पड़े हुए हैं। तुम लोगों को चाहिए मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं। हाँ जी सर, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ उसकी किस रेट से? 10% से? पक्का? ऑलरेडी डिस्काउंट है नहीं, डिस्काउंट करने जा रहे हैं उसको, डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू द पावर। रेस टू द पावर क्या चीज? 1। फिर अगली अगले कैश फ्लो के लिए दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू द पावर 2। इसी तरह दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू द पावर 3। इसी तरह दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू द पावर 4। इसी तरह दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू द पावर। ऐसा ये सारे कैश फ्लोस को मैं सिंपल क्या कर दूं, ऐड कर दूं, मैंने कहा सम कर दो इन सबको, कितना आ रहा है? 4041062। ऊपर जाके इसको मैं पोस्ट कर दूं, 4041062। अब बताएं दोनों में से हायर कौन सा है? अब बताएं सर, अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई मुझे बताओ इम्पेयरमेंट कितनी है, ये इम्पेयरमेंट आ गई? पक्का? हमने इंटरेस्ट टैक्स इस वजह से नहीं लिया, एक्सक्लूड किया, क्योंकि हमने प्री टैक्स कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना है। बिल्कुल अब्दुल बासित, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी अब एक हम हमेशा अज्यूम करेंगे प्री टैक्स है, अनलेस के लिखा होगा पोस्ट टैक्स है। बीएफडी में हमेशा अज्यूम करते हैं कि ये पोस्ट टैक्स है अनलेस के लिखा होगा प्री टैक्स है। बीएफडी में हमारी अजम्पशन उलट होती है। कोई मसला नहीं, राउंडिंग ऑफ के 27,000 रुपए का डिफरेंस आना कोई बड़ी बात नहीं। कितना टाइम लगना चाहिए इस तरह के सवाल में? इस तरह का सवाल आएगा तो 16 नंबर का होगा। 16 नंबर का मतलब एटलीस्ट आपको 25 मिनट में ग्राउंड कर ले। कितने मिनट में? ये आपके लिए परमानेंटली सेव हो गया, और आपकी हर क्लास के एंड में जो पोर्टल पे आपको लेक्चर मिलेगा पीडीएफ उसके साथ अटैच हुआ होगा, आपको इवन इसको मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी अब सुनिएगा दोस्त, प्यारा भाई दो मिनट के लिए ना बोर्ड पे देखना आप। चले जी मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, वैल्यू न्यूज में कैश फ्लो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सर मेरे पास? सबसे पहले फाइनेंसिंग कैश फ्लोज मैंने एक्सक्लूड करने, कौन से? क्यों? बिकॉज डिस्काउंटिंग सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। डन, पक्का? फिर नंबर टू, इनकम टैक्स कैश फ्लोज, बिकॉज प्री टैक्स कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट प्रीटैक्स रेट। फ्यूचर ओवरहॉलिंग एसेट इज कंसिडर्ड इन दी करंट स्टेटस, उसके करंट स्टेटस में हम उसको कंसिडर करेंगे। फ्यूचर ओवरहॉलिंग सिंस कैश आउटफ्लो ऑफ ओवरहॉलिंग इज इग्नोर्ड, तो उसको भी हम क्या करेंगे? इग्नोर्ड कंसिडर करेंगे। पास्ट रिसीवेबल्स रिप्रेजेंट पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट पेबल्स रिप्रेजेंट क्या चीज? पास्ट परफॉर्मेंस। ऐसा ये छह एलिमेंट्स याद रहेंगे तुम लोगों को, पक्का ये प्रेजेंटेशन वक्त के साथ साथ क्या होती जाएगी, मैं इसके अंदर स्लाइड्स ऐड करता जाऊंगा, और सर जब हमारा स्टैंडर्ड खत्म होगा ये हमारे पास एक एक रिवीजन पर्पस के लिए एक बेहतरीन चीज तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है भैया? ये हमारा टाइम कितना रह गया हमारे पास? ऑफ हो गया। चले जी हम सर यहाँ ऑफ कर रहे हैं, ये पीडीएफ आपको मैं अभी भिजवा देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे, और अल्लाह आपको अपने खर्चे पे खुश रखे। सोल्यूशन खोल दूं भाई, जिसने सोल्यूशन कॉपी करना है ये रहा सोल्यूशन। ठीक है जी,
चलो जी, थैंक यू वेरी मच।